खबर आपको दें, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं होता, अक्सरियती जजेस की ये राय है। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज, हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी की है, जिन्होंने फुल कोर्ट में एक अक्सरियती फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है। अब जो एक और वजाहत जारी की गई है, इसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअसर नहीं हो सकता और इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मुअसर नहीं कर सकती। इसके साथ साथ इस वजाहत में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। अक्सरियती जजेस ने ये जो एक और वजाहत जारी की है, ये इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। ये भी यहाँ पे मैं वाजे करना चाहता हूँ कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती जजेस ने ये दूसरी मरतबा वजाहत जारी की है और एक दफा फिर ये कहा है अक्सरियती 8 जजेस ने कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से माजी से इतलाक को वजह बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसे गैर मुअसर नहीं किया जा सकता। ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून शहबाज खोसा साहब। शहबाज खोसा साहब, सर बहुत शुक्रिया आईआरवाई को आपने अपना कीमती वक्त दिया। मखसूस नशिस्तें देने का मामला है सर, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी की है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअसर नहीं हो सकता, अक्सरियती जजेस की राय ये है, सर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये आईन और कानून के मुताबिक इनकी राय है और ये इनको कुछ दिन पहले दे देनी चाहिए थी। ये चलें देर आई दुरुस्त आई। आज भी देखें, इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाहर जाए और उसको इम्प्लीमेंट ना करे, ना ही स्पीकर नेशनल असेंबली कोई कानूनी हैसियत रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को सुपरसीड करें और अपनी मुतबादिल राय दें और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करें कि उनकी राय पर अमल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल ना किया जाए। आज आपने जैसा कि देखा कि पिछले काफी दिनों से एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम जो कि पहले चोरी के वोटों से करने की कोशिश की गई वो ना हो सकी, उसके बाद इन्होंने मशावरत करने की कोशिश की और जब ये अपनी बात पर कायल ना कर सके अपने इत्तहादी या अपने साथ पार्लियामेंट में शमूल अदर दूसरी पार्टियों से, तो ये एक शब खून मारने की इलेक्शन कमीशन के थ्रू कोशिश की गई जो कि पिछले 2.5 सालों से पाकिस्तान में जितनी भी फसाद है उसके पीछे जिसका कलीदी किरदार है, चाहे वो आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट हो या चाहे वो इलेक्शन ना कराने से हो या चाहे वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने में हो, जो किरदार इलेक्शन कमीशन प्ले करता रहा है उसी सिम्ट में आज भी एक शब खून मारने की कोशिश की जा रही थी जिसपे ये सुबह से इलेक्शन कमीशन का एक इजलास बुलाया गया जहां पर ये कॉमन प्रिडिक्शन थी कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं पीटीआई की, जो कि क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है कि ये पीटीआई की रिजर्व सीट हैं, इनको पीटीआई से निकाल कर और दीगर जमातों में पास कर दिया जाना था, जो कि मजे की बात ये थी कि कई सूबों में इतनी उनकी एक्चुअल सीट्स नहीं थी जितनी उनको ये रिजर्व सीट्स मिलने के इम्कान थे। तो ये फैसला तो बिल्कुल एब्सर्ड था इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल और आज फिर यही फैसला इलेक्शन कमीशन करने जा रही थी ताकि हुकूमत वक्त को आसानी हो सके। ये आईनी तरमीम जो कि एक और बहुत बड़ा धचका होता पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पे और पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स पे और पाकिस्तान में ये जितने भी मामलात हैं इन सबको और बिगाड़ की तरफ ले जाते, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि एक कदम है कि इन्होंने एक और वजाहत हालांकि देने की जरूरत नहीं थी मगर क्योंकि यहाँ डटाई इतनी ज्यादा है कि लोग फिर भी नहीं मानते इतनी वजाहतों के बाद, बहुत अच्छा किया इन्होंने कि बजाय ये कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और इसके नतीजे में ये जो इलेक्शन कमीशन करने जा रही थी इसके नतीजे में यहाँ पर एक और लोगों को ओथ दिया जाता।